भाई को मुझ पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है। हातिम के जाने का दुख है तुम्हें। जिसको एतबार ही ना हो उसका जिंदगी से चले जाने ही बेहतर है। तुम तो चुपे ही हो जाओ। तुम सब कुछ जानती थी तब भी मेरे लिए एक लफ्ज नहीं बोला। सुमी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में ही खामोश रही। और जैसे तुम मोहब्बत करती हो उसने तो तुम्हें सबके सामने ही छोड़ दिया। बेहतर नहीं है कि जो तुमसे मोहब्बत करता है उस पर एतबार कर लो। उसकी वजह से तो आज मैं हालात का सामना कर रही हूं। वो अपने दोस्त बुलाने गया है निकाह में गवाहों के तौर पर। ये आप क्या कह रही हैं? इस तरह फुप्पू और हातिम ने जो मुझ पे इल्जाम लगाए सब कुछ सच हो जाएगा। मुझ पे जुल्म ना करें, मैं मर जाऊंगी। अम्मी मर तो चुकी हो तुम हमारे लिए। आज तुम्हारी लाश को कंधा देके अदन को सौंपना है। आगे तुम्हारा नसीब। मान जाओ आज वो तुमसे निकाह करेगा, दो चार दिन में अपने खानदान को लेकर बाइज्जत रुखसत कर लेगा। अम्मी इसको समझा दे, हमारी इज्जत का जरा सा भी एहसास है ना इसे तो अदन को ही अपना नसीब समझे। चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया। फिर आप समझाएं ना भाई को। इस वक्त मैं तुम्हारी अगर लाख कमाई भी दे दूं वो नहीं मानेगा। इस वक्त जिस तरह के हालात हैं तुम मान जाओ। मेरा दिल कहता है कि अदन से ज्यादा मजबूत सहारा तुम्हें नहीं मिल सकता। मेरा दिल कह रहा है कि उस पर भरोसा कर। मान जाओ।